नमस्कार मित्रों, सत्वायु आयुर्वेदा में आज हम बात करेंगे कि बच्चों को भूख न लगने की समस्या क्यों बढ़ती जा रही है, बच्चों को भूख न लगने का क्या कारण होता है और उसके लिए कौन कौन से घरेलू उपाय और आयुर्वेदिक चिकित्सा की जा सकती है। इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और इस तरह की और जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों को भूख नहीं लगती, हर माँ इस बात से परेशान हो ही जाती है। ज़्यादातर बच्चों को भूख न लगने की समस्या होती है, अच्छी तरह से खाना नहीं खाते। इसके अलावा अगर बच्चे बहुत दिनों तक अच्छे प्रकार से खाना नहीं खाते हैं या किसी स्पेसिफिक तरीके का खाना ही लगातार खाते रहते हैं तो इसके कारण उनके शरीर में कई तरह की विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है जिसके कारण कई रोग भी हो सकते हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है जिसके कारण भी कई सारे रोग होने लगते हैं। इसके साथ ही जब बच्चे अच्छे से घर का खाना नहीं खाते हैं तो ऐसी कंडीशन में ज्यादातर माता पिता उन्हें बाहर का जंक फूड और जो चीजें स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है वो खिलाने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में बच्चों में रक्त दुष्टि, इसके अलावा कई अन्य तरीके के पेट से संबंधित बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं। साधारण भाषा में हर माँ यही शिकायत करती है कि बच्चों को भूख नहीं लगती, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार बच्चों को भूख न लगने की 3 श्रेणियां होती हैं। जैसे कि सबसे पहले अरुचि होना। अरुचि का अर्थ है कि बहुत कम मात्रा में भूख लगती है, ज्यादा खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, अपनी उम्र के अनुसार और अपने बल के अनुसार बच्चे खाना नहीं खाते। दूसरी श्रेणी है अन्नाभिनंदन। मन का खाना ना मिलने के कारण बच्चे अच्छी प्रकार से खाना नहीं खाते हैं या बच्चों को जो खाना बना होता है वो खाने का मन नहीं करता, इसलिए वो बच्चे खाना नहीं खाते हैं। तीसरी श्रेणी होती है भक्त द्वेष। भक्त द्वेष का अर्थ है कि खाने के नाम पर ही बच्चे को उल्टी आने लगती है या पेट में दर्द होने लगता है। इसके अलावा बच्चा थोड़ा सा ही खाना खाता है उसे उल्टी आ जाती है या फिर बच्चे को खाने की सुगंध से ही नौजिया जैसा फील होने लगता है, वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है, तो इसे भक्त द्वेष कहते हैं। इन तीनों ही श्रेणियों में बच्चे अच्छी प्रकार से खाना नहीं खाते हैं और बच्चों को न्यूट्रिएंट्स की अक्सर कमी हो जाती है, लेकिन तीनों के ही कारण अलग अलग हैं। जैसे अरुचि का कारण अक्सर अग्निमंद होता है, मतलब कि जो खाना पचाने की शक्ति होती है वो बहुत कम हो जाती है, जबकि अन्नाभिनंदन का मुख्य कारण मानसिक होता है, मतलब बच्चे मानसिक कारणों के कारण अच्छी प्रकार से खाना नहीं खाते हैं, जबकि भक्त द्वेष का मुख्य कारण कफ का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होना है। यदि कफ दोष बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है या पित्त दोष बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो ऐसी कंडीशन के कारण बच्चे खाना नहीं खाते हैं। बच्चों में भूख न लगने के क्या क्या कारण होते हैं? वात, पित्त या कफ की दुष्टि जिन भी कारणों से हो सकती है, जैसे कि गलत तरीके की आहार विहार या दिनचर्या, उनके कारण भूख न लगने की समस्या शुरू होती है। जैसे कि वात प्रकोपक आहार विहार, बहुत ज्यादा रूखा सूखा खाना, बहुत ज्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स खाना जैसे कि बहुत ज्यादा बिस्किट्स या फिर बहुत ज्यादा ब्रेड, चीज, टोस्ट, पाव, इन्हीं सब प्रकार के खाद्य पदार्थों का उपयोग करना, बहुत ज्यादा समय तक भूखे रहना, जिसके कारण भी वात दोष की दुष्टि हो जाती है। बहुत छोटी उम्र से बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा स्पाइसी ऑयली आहार विहार लेने लगते हैं जिसके कारण भी पित्त दोष की दुष्टि हो जाती है। इसके अतिरिक्त कफ वर्धक आहार विहार बहुत ज्यादा लेने की वजह से भी भूख न लगने की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि बहुत ज्यादा मीठा खाना, मिठाइयां खाना, स्पेशली खोए से बनी हुई मिठाइयां खाना, दूध और दूध के प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा यूज करना, इनडाइजेशन होना यानी कि खाना अच्छी तरीके से ना पचा होने के बाद भी बार बार खाना खाने की आदत होना, इसके अलावा जंक फूड बहुत ज्यादा लेना, आइसक्रीम, चॉकलेट, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा सेवन करना। बहुत सारे बच्चे बचपन से ही केवल मोबाइल, टीवी, इन्हीं सब चीजों से अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, योगा, दौड़ भाग वाले गेम्स खेलना ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जिसके कारण कफ की वृद्धि हो जाती है, इसके द्वारा भी मंदाग्नि हो जाती है और भूख नहीं लगती है। इसके अलावा मानसिक कारण बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने बताया कि अन्नाभिनंदन होने का मुख्य कारण मानसिक होता है, मतलब कि मनोअनुकूल भोजन का ना मिलना, मन का खाना ना मिलने पर बच्चे भूखे रहते हैं या फिर जंक फूड खाते हैं जिसके कारण अग्निमंद होता है, आगे बच्चे को भूख नहीं लगती है। इसके अलावा अगर बच्चा बहुत ज्यादा डरता है किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, या बहुत ज्यादा रोता रहता है, तो इन सब के कारण भी बच्चे को भूख नहीं लगती है। भूख न लगने के लक्षण क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो बच्चे के मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ रहता है, या तो फिर कड़वापन रहता है या कसैला
रहता है। कफ बहुत ज्यादा होता है, गले में हमेशा कफ बना रहना, बार बार सर्दी जुखाम होना, उल्टी जैसा महसूस होना, नौजिया होना, पेट साफ ना होना, कॉन्स्टिपेशन होना, अक्सर पेट में दर्द की शिकायत करना, आलस से बहुत ज्यादा होना, कमजोरी होना, रेस्टलेसनेस होना, ये सारे भूख न लगने के साथ लक्षण हो सकते हैं। अगर बच्चे को भूख नहीं लगती है और बच्चा बहुत दिनों तक अच्छी प्रकार से भोजन नहीं करता है तो इसके कारण बच्चे में कई सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी आसानी से हो जाती है। इसके अलावा जो बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ होती है वो उतनी स्पीड से नहीं होती है जैसी होनी चाहिए। इसलिए अगर आपके बच्चे को भूख नहीं लगती तो उस पर ध्यान देने की जरूरत। बच्चे को भूख नहीं लगने पर क्या क्या चिकित्सा की जा सकती? सबसे पहले तो निदान परिवर्जन। आयुर्वेद में जैसा कि कहा गया है, संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जन, मतलब कि सबसे पहले जो भी आपको वात पित्त या कफ प्रकोपक कारण बताए गए हैं अगर उनका त्याग कर दिया जाए, उन्हें छोड़ दिया जाए, तो उसकी वजह से भी दोबारा बच्चे को भूख लगना शुरू हो जाती है। कि अक्सर माता पिता ये शिकायत करते हैं कि बच्चे को भूख नहीं लगती, दिन में एक या दो बार उसे चार चार पाँच पाँच बिस्किट्स देते हैं जिसके बाद बच्चे को साधारण खाना खाने की भूख नहीं लगती। इसके अलावा चाय, मैदे से बने हुए पदार्थ, ये भूख को अग्नि को शांत करते हैं, इसकी वजह से भी भूख कम लगती है। इसलिए इस तरह के निदानों का पूरी तरीके से परिवर्जन करना चाहिए। पैकेज्ड फूड होते हैं, जंक फूड होते हैं, उनमें भी कई सारे केमिकल्स होते हैं, इसके अलावा प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि विष का कार्य करते हैं, यानी कि शरीर में विषैली पदार्थ को, विषारी तत्वों को बढ़ा देते हैं। इस वजह से भी इस तरह की चीजों का प्रयोग बच्चों के खान पान में मिनिमम होना चाहिए, न के बराबर होना चाहिए। मानसिक भावों को शांत करने का प्रयास करना चाहिए, जैसे अगर आपका बच्चा बहुत जिद्दी है तो उसमें दूध के साथ वचा चूर्ण का प्रयोग, ज्योतिषमती तेल का प्रयोग किया जा सकता है। प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अक्सर बच्चे वही सीखते हैं जो माता पिता करते हैं, इसलिए अगर माता पिता समय से संपूर्ण आहार और स्वास्थ्य वर्धक आहार का सेवन करते हैं तो बच्चे वही चीजें आसानी से सीखते हैं। सारा परिवार साथ बैठकर भोजन करे तो भी बच्चे घर का खाना अच्छी प्रकार से खाना सीखते हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभार बच्चों को मनोनुकूल आहार देना, जैसे कि उन्हें जो चीजें पसंद है वो देना गलत नहीं है, पर अधिक मात्रा में बार बार देना गलत है। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि नूडल्स बहुत समय से नहीं खाए हैं या बर्गर बहुत समय से नहीं खाया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अलग तरह के जंक फूड को उन्होंने बीच बीच में नहीं खाया है। जंक फूड का जो अमाउंट है वो बच्चे की डाइट में कम होना चाहिए। घरेलू उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं? बच्चे को अदरक के रस, अनार के रस, जीरा, शक्कर और इसमें थोड़ा सा शहद और घी, इन सबको मिलाकर अगर दिया जाता है तो ये भूख को बढ़ाने में बहुत कारगर होता है। इसके अलावा जीरे में थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी शक्कर और थोड़ी सी काली मिर्च मिलाना भी शहद के साथ देने पर बहुत लाभदायक होता है। हरीतकी का चूर्ण भी बच्चे में भूख को बढ़ाता है और इसके अलावा डाइजेशन को भी बेहतर करता है, इसलिए हरीतकी का चूर्ण शहद और घी के साथ अगर रात में बच्चे को दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स होते हैं, अगर उन्हें आप सुबह नाश्ते में देते हैं तो बच्चे की भूख बहुत अच्छी बढ़ती है, जैसे कि एप्पल है, ग्वावा है, पोमग्रेनेट है, यानी कि अनार, अमरूद और सेब, ऐसे फलों का देने पर भी बच्चे की भूख बहुत अच्छे से बढ़ती है। इसके अतिरिक्त शर्करोधक यानी कि शरबत, नींबू का रस, उसमें शक्कर 1:6 के अनुपात में मिलाकर, साथ में लौंग और मरीच, इस तरह का एक पेय बनाकर बच्चे को अगर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देते रहते हैं तो बच्चे की भूख अच्छी बढ़ती है। इसके अतिरिक्त कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग भी बच्चे की भूख को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया कि अति विषादी चूर्ण यानी कि जिसे बाल चतुर्भद्र चूर्ण कहते हैं वो बहुत लाभदायक होता है बच्चे की भूख बढ़ाने की। इसके अतिरिक्त खाने के जस्ट पहले अदरक स्वरस यानी कि अदरक का रस और काला नमक, ये शहद के साथ देना भी बहुत लाभदायक होता है। अगर बच्चे को बार बार कफ की परेशानी होती है तो संजीवनी बटी या बाल बटी दी जा सकती है। अगर ऐसा लगता है कि बच्चे को पेट में दर्द होता है और बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं तो कुटकी चूर्ण का प्रयोग शहद से, एलादी चूर्ण का प्रयोग शहद से या फिर पिपली चूर्ण का प्रयोग से भी बहुत लाभदायक। द्राक्षासों का प्रयोग भी बच्चों के लिए किया जा सकता है, इसका प्रयोग करने से भी बच्चों में भूख बढ़ती है। अनार
अनार के रस को काला नमक के साथ पिलाने पर भी बच्चों में भूख बढ़ती है। ये सभी उपाय बच्चे की भूख को बढ़ाने के लिए किए जा सकते हैं। पर ये याद रखिए कि अगर बच्चा लगातार इस तरह के आहार विहार का प्रयोग कर रहा है जो कि वात पित्त या कफ की दुष्टि करते हैं, तो अक्सर इन उपायों से बच्चे की भूख बढ़ती है लेकिन दोबारा कम हो जाती है। इसलिए बच्चों के आहार विहार और दिनचर्या में परिवर्तन करते हुए इन औषधि प्रयोगों को करना ही सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। इसलिए आयुर्वेद का पालन करें, उचित आहार लें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।